लोगों ने चेक करो जी, लोगों ने छुरी से कट गया था दुकान पे, बाजू में गोश्त की दुकान है, घर मेरा वंश है, घर के बाजू में कट होते की बाजू में क्लिनिक है, क्लिनिक पे लेके गए, वो क्लिनिक में वो चार स्टिचेस दिए, उसके बाद में ग्लूकोज चढ़ाए, दो ग्लूकोज दिए, फिर इंजेक्शन दिए। क्लिनिक का नाम एमएस पेटर्निटी पॉली क्लिनिक है, वो किधर है? ये खाजा होटल के पास। ये वाकया कब हुआ बच्चों? कब कटा? मंडे के दिन कितने बजे का वाकया? इफ्तार के बाद जैसा कट हुआ वैसे ही उनको ले लेके गए। लेके जाने के बाद ये बोले अभी हम करें, फिर कल सेम लेके आओ, फिर चढ़ाना पड़ता ग्लूकोज, फिर लेके दूसरे दिन लेके गए। लेके जाने के बाद दूसरे दिन जैसा ग्लूकोज चढ़े, एक ही पे रोक दिया उन्होंने एक ग्लूकोज पे, फिर इंजेक्शन भी दिए, फिर घर को जैसा लेके आए उसको जाड़ा आना शुरू हो गया, फिट्स आना शुरू हो गया, नीला हो गया उन्होंने हॉस्पिटल को लेके गए असरा को। लेके जाने के बाद बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र 13 साल। बोले माइनर बच्चा। फिर उनको वहाँ पे असरा को लेके गए, असरा में ये बोले कि बच्चे की हालत सीधी नहीं है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, हमारे पास स्पेस नहीं है, बेड नहीं है। तो वहाँ से फिर नीलोफर ले गया, नीलोफर ले जाने के बाद में वहाँ पे उनको एक दिन रखे, डॉक्टर जो है उसी नाइट में जो है बच्चे को ब्लीडिंग हुआ, वॉमिटिंग्स हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग्स भी हुआ, एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स भी हुआ, बाहर भी आया ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट हुआ हाथ पे, इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुआ। उसके बाद में फिर ये लोग बोले कि इट में भी ये हो सकता है कि ब्रेन डेड, ऐसा भी बोले डॉक्टर, वो लोग उसको ऐसे ही छोड़ दिए। ये बोले कि जब तक उसका हार्ट रेट चलते रहेंगे हम लोग इलाज करते रहेंगे। फिर आज मगरिब में ये बोले कि बच्चे का डेथ हो गया। फिर अभी हम लोग पीएस पे आए, पीएस में ये बोल रहे कि हॉस्पिटल से ये इन्फॉर्मेशन आया कि बच्चे को पैर पे भी कट है, नेक के पास में भी कट है, ये नेक का तो कहीं भी नहीं है, दे आर क्रिएटिंग देयर ओन स्टोरी, वो लोग अपनी स्टोरी बना रहे, गले के पास कट है ही नहीं, मार लगा सिर्फ पैर के पास, ये लोग बोल रहे गले के पास कट लगा, बोल के वो हॉस्पिटल से इंटीमेशन आया, ये गलत इंटीमेशन है। दवाखाना से कब इतना मिली बच्चे का डेड हुआ बोल के? ये मगरिब के बाद में 6:30 के टाइम पे बोले। कौन बोले? डॉक्टर जो अथॉरिटी से पहले तो कल डॉक्टर का नाम क्या? ड्यूटी डॉक्टर जो अवेलेबल रहता शाम में, वो आके इंटीमेट किया कि आपके बच्चे का डेथ हो गया, वो मगरिब में बोले। उसके बाद ये लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन आया 9 बजे, अब ये लोग लिख रहे कि 9 बजे हमारे को मिला, 9 बजे डेथ हुआ। अब वो लोग लेट किए इंटीमेशन, वो हमारे मालूम नहीं, हमारे 6:30 के लिए बोल दिए ब्लीडिंग हुआ, डेथ हुआ, लेडी डॉक्टर जो है जब भी बोलेगी डेथ हो गई। डेथ हुआ तो हॉस्पिटल को कौन लेगा? उस्मानिया कौन लेगा? आप लोग लेके उस्मानिया को वो लोग ही लेके गए, वो लोग हेल्थ मिनिस्ट्री से जो भी है ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर जो भी है, वो लोग हेल्थ ऑफिसर जो भी है उन्होंने लेके बोले कि इनका एमएलसी करना पड़ता, एमएलसी हम लोग कराए नहीं, एमएलसी सीधा पीएस से आया, ये लोग आके स्टेटमेंट लिए। ये जो डॉक्टर है ये जो भी इलाज करे कैसा करे उनको मालूम है, इंजेक्शन दे दिए, ग्लूकोज चढ़ा दिए, बच्चे की हालत खराब हो गई, स्टिचेस होने के बाद में सेकेंड जब ग्लूकोज दिए वो नीलोफर में बोले कि द फर्स्ट डे वो लोग दिए वो मान सकते, लेकिन सेकेंड डे जो दिए वो ये गलत है, ये नहीं देना था, ये देने की वजह से बच्चे को जो है दिमाग पे चढ़ गया, उसका पूरा बुखार आ गया, फिर बाद में उसको फिट्स आने की वजह से यहाँ लेके आने के बाद में घंटे दो घंटे में उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, इंटरनल भी हुआ, एक्सटर्नल भी हुआ, आफ्टरनून तो यहाँ पे क्लॉट भी हो गया। बच्चा क्या होना? ये मेरा भाई है, छोटा खाला का बच्चा है। क्या नाम है उनका? विन सिटी का अज़्म, हर एक को साहिब जायदाद बनाना, और इसी इरादे से विन सिटी हर बार की तरह इस बार भी एक शानदार और बेहतरीन वेंचर का आगाज कर रहे हैं। शमशाबाद से सिर्फ 9 किलोमीटर के फासले पर आबादी से घिरा हुआ वेंचर, गेटेड कम्युनिटी, पानी, लाइट, ड्रेन लाइन और ट्रांसपोर्ट की सहूलत, बड़े बड़े नामवर कॉलेजों से घिरे हुए वेंचर में प्लॉट खरीदिए नकद या आसान नक्शात पर, विन सिटी डेवलपर्स की शाहकार पेशकश। क्यों न हो, मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ प्लॉट खरीदिए, 100 गज का प्लॉट सिर्फ 4,20,000 रुपए में, एडवांस दीजिए और तामीर शुरू कीजिए। विन सिटी, फौरी मुलाकात करें विन सिटी डेवलपर्स बेसाइड चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद।